दोस्तों बहुत सारा यूट्यूबर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि भाई 400 में चल जाओगे कश्मीर से, 300 में चल जाओगे, थंबनेल पे लिख देगा, लेकिन मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। दोस्तों अभी मैं हूँ लाल चौक पे कश्मीर के, और यहाँ पे घंटा घर है, देख सकते। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे यही है वो लाल चौक, यही है वो घंटा घर जहाँ पे प्रधानमंत्री खुला चैलेंज दिए थे। तो भाई ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा तरीका से यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया, देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से तो दिल्ली से देख रहे थे, समझ सकते हैं, ये चांदनी चौक जिस तरह से बनाया गया उसी तरह से यहाँ पर बनाया गया है, और ये लकड़ी का भी बनाया गया है पूरा टेबल टाइप का बैठने के लिए, काफ़ी अच्छा तरीका से यहाँ पे। और बड़ा बड़ा होटल भी है आसपास में, आप अगर आकर रुकना चाहोगे तो रुक सकते हो। और भाई यहाँ के कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी जगह, अच्छी जगह है ना। तो यहाँ पे कितना देर हम लोग रुकेंगे? भाई कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं भाई, हम लोग रुकेंगे अच्छा से और देखेंगे यहाँ पे पूरा, आप लोग को भी सब चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे। चलिए फिलहाल जाते हैं खाना खाने। अभी भाई दो दिन सब रुका हूँ, तो अभी जाना हूँ खाना खाने, वो भी बताऊँगा कितना में यहाँ पे खाना मिलेगा, कितना में आपको होटल मिलेगा, सब यहाँ पे जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मैं अभी श्रीनगर के लाल चौक पे होटल में खाना खा रहा हूँ, जो कि ये हाई फाई होटल है। मैं छोटा मोटा भी होटल में खाना खाकर आप लोग को पैसा बताऊँगा कि कितना लगता है। फिलहाल मैं अभी यहाँ का बताता हूँ। एक प्लेट हम लोग बिरयानी लिए हैं, जो कि ये बड़ा वाला कटोरा में एक प्लेट फुल होता है, जिसका प्राइस 260 रुपया हुआ है। लेकिन भाई खाना खा के पेट नहीं भरा है, और काफ़ी ज़्यादा मसाला है खाने में, उतना टेस्टी भी नहीं है। तो पेट नहीं भरने के बाद में हम लोग फ्राइड राइस वाला मंचूरियन पनीर वाला खाना मंगाए, और उसको हम लोग अभी खा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है, स्वादिष्ट है। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके कारण यहाँ पर खाना उतना जैसे नहीं मिल पा रहा है समय से। आप रमज़ान के महीने के बाद में आओगे तो यहाँ पर खाना आपको भरपूर मिलेगा, और यहाँ पे ज़्यादा नॉन वेज मिलता है भाई, आपको वेज बहुत कम मिलेगा यहाँ पे, वेज का कम होटल। तो बाद में हम लोग 200 रुपये का खाना खाए, टोटल मिला के हम लोग 460 रुपये का खाना खाए। खाना भी हम लोग खा लिए भाई भरपेट, मज़ा आया खा के, काफ़ी अच्छा था खाना काफ़ी अच्छा था। और खाना का टोटल बिल हुआ है 460 रुपये, जो कि हम लोग दो आइटम खाना खाए हैं। एक बार हम लोग खाए हैं वेज बिरयानी फुल प्लेट में, फुल प्लेट वेज बिरयानी, और उसके बाद में मंचूरियन पनीर राइस फ्राई, मंचूरियन फ्राई पनीर राइस खाए हैं। तो दोनों का बिल हम लोग का आया है 460 रुपया, दो आदमी का भाई, एक टाइम का, दो आदमी का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कश्मीर में अगर आप लोग घूमने आओगे तो कितना खाने का एक टाइम का लग जाएगा। अगर आप अकेले आओगे तो, अकेले आओगे तो लगभग आपको 250-200 से कम नहीं लगेगा, क्या 200-250 आपको लगना ही लगना है अगर कश्मीर में आप अकेले आ रहे हो तो। और उसके बाद में बता दूं आपको रूम का रहने का खर्चा, तो आप इस तरह का देख सकते हैं, ये सब देख रहे हैं ना, इसके आपको आसपास में पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे मॉल भी है और मार्केट भी है, लेकिन इसके आसपास में आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, जिसका भाड़ा आपको एक दिन का 400-500 भी रहता है, लेकिन कम भी आपको मिलेगा। और एक और सुविधा मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोई जैसे मंदिर का आसपास में आप रुकोगे तो वहाँ पर और सस्ता में मिलेगा, 300-200 इस तरह से आपको रूम मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे डोर्मेट्री चाहते हो ना, डोर्मेट्री जिस पे एक बेड रहता है उस तरह से आप लोग रहना चाहोगे तो भी मिल जाएगा, वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, वो भी 150-200 वो पड़ेगा। तो इस इतना सस्ता है भाई, आप आगे कश्मीर में रह के घूम सकते हो मज़ा से। इस तरह का भी माहौल, शाम का टाइम हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। अभी तो बहुत सारा यूट्यूबर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि भाई 400 में चल जाओगे कश्मीर से, 300 में चल जाओगे, थंबनेल पे लिख देगा, लेकिन मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। तो हम लोग मुंबई से भाई दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हम लोग कश्मीर के लिए आए, तो हम लोग को कितना खर्चा लगा, यहाँ तक आने में कितना पैसा लगा, वो आप लोग को मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि हम लोग तो मुंबई से निकले थे, तो स्लीपर हम लोग ट्रेन का टिकट लिए थे, स्लीपर का, तो हम लोग को 800 रुपये पड़ा हुआ था स्लीपर का, दो आदमी का 1800। उसके बाद हम लोग कश्मीर के लिए गाड़ी पकड़े, तो कितना लगा था, 230 रुपये लगा था कश्मीर के लिए। हम लोग गाड़ी पकड़े तो 200 रुपये लगा था, और 200 हम लोग को छोड़ दिया बनिहाल में, 200 रुपये में बनिहाल तक ना। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से 200 रुपये मारे तो श्रीनगर हम लोग के लेके यहाँ पे डेनलक के पास में, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे डेनलक के पास में। तो पूरा मिला के आप लोग को बता दूँ, मत आप 1000 से लेके 1100 में आप आराम से आ जाओगे भाई, आराम से आ जाओगे। लेकिन हाँ, आप फंसोगे नहीं तब, क्योंकि आप जैसे आओगे ना श्रीनगर में, तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट लोग आएंगे गाड़ी ले लेके, भाई मैं 600 में तुमको पहुँचा दूंगा श्रीनगर, 600 में, 400 में, 500 में। लेकिन भाई आप उसमें नहीं फंसना, क्योंकि 100 रुपया 150 में आप यहाँ आ सकते हो, 200 में आ सकते हो, और जो पैसा बचेगा उसे आप खाना भरपेट खा सकते हो। और ये भाई आपको मैं सही जानकारी दे रहा हूँ कश्मीर का। अगर आप लोग घूमने आओ तो ये वीडियो देख रहे हो तो इस तरह से आप लोग आना। और नॉनवेज भी खाना खाते हैं, तो भाई मैं नहीं खाया हूँ तो हमको नहीं मालूम है,
क्योंकि मैं वेज खाना खाया हूँ। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसका आप 100 रुपये ओवर पकड़ के चलिए, क्योंकि हमारा अगर 200 में वेज खाना हो रहा है तो आपको नॉनवेज 300 में ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना का महंगाई है भाई। मुंबई से यहाँ पे ज़्यादा खाना का महंगाई है, चाहे कहीं भी आप जाओगे वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे खाना का महंगाई है। तो आप नॉनवेज अगर खाते हो तो उसका पैसा कुछ ज़्यादा लगेगा। तो ये है शाम का टाइम, आप लोग देख सकते हैं ये कितना भाई कैसा लग रहा है कश्मीर में आके, मस्त लग रहा है, मज़ा रहा है ना। अरे ये तो लग रहा है कि मुंबई का पहुँच है नहीं भाई, ऐसा मुंबई का पहुँच ऐसा लग रहा है। ये बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए भाई। कश्मीर का पूरा ट्रिप दिखाऊंगा, लद्दाख भी जाने वाला हूँ भाई, कारगिल भी जाने वाला हूँ, पुलवामा भी जाने वाला हूँ, सब जगह जाने वाला हूँ। तो आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा इंस्टाग्राम पे, जयपुर अगर जाके सर्च कीजिए, आप फॉलो कर लीजिए, मजा आएगा भाई।